नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। नमस्कार, मैं हूँ ऋजा शर्मा और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क की खास पेशकश बिहार विधानसभा 2020। बिहार विधानसभा 2020 में आज बात विधानसभा क्षेत्र 178 यानी दाल का कटोरा कहे जाने वाले मोकामा विधानसभा क्षेत्र की। मोकामा पटना जिले के अंतर्गत आता है और पटना जिले में 2 संसदीय क्षेत्र और 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें से एक मोकामा भी है। मोकामा का टाल देश भर में मशहूर है। मोकामा टाल जो बिहार की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है और इसका दायरा लखीसराय से फतुहा तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में रहने वाली 20 लाख से अधिक की आबादी और 500 से अधिक गांवों की आजीविका में मोकामा टाल का प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बड़ा हिस्सा है। एक अनुमान के तौर पर मोकामा टाल 6,55,000 बीघा में फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र मानसून के दौरान 2 से 4 महीनों के लिए पूरी तरह पानी में डूबा रहता है। 6,55,000 बीघा जमीन में से मात्र 17% भूमि ही ऐसी है जो दो फसला है, बाकी के 83% भूमि पर एक ही फसल बोया जाता है। इतनी बड़ी उपजाऊ जमीन का एक क्षेत्र में रहने से मतलब है कि मोकामा के लोग सोने की खान पर बैठे हैं, लेकिन उस भूमि का उपयोग सिर्फ एक फसल के लिए ही हो पाता है और यही इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। मोकामा टाल की तस्वीर बदलने के वादे को लेकर कई नेता फर्श से अर्श पर पहुंच गए, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी इस क्षेत्र की तस्वीर नहीं बदल पाई। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा टाल की काया पलटने के वादे के साथ इस क्षेत्र से सांसद बने, फिर केंद्र में मंत्री बने, कई साल कृषि मंत्री रहे, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि योजनाएं बहुत बनी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई योजनाओं की घोषणा की और उसके लिए भारी भरकम राशि का भी ऐलान किया, लेकिन ये ना तो मोकामा टाल की तस्वीर बदल पाए और ना ही मोकामा के किसानों की तकदीर ही बदल पाए। लिहाजा यहाँ अपराध अपना पैर फैलाता गया और दाल का कटोरा कहे जाने वाला मोकामा अपराध के लिए भी कुख्यात हो गया। बात करें मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण की, तो यहाँ भूमिहार, थानु, कुर्मी और कोरी मतदाताओं के साथ साथ यादव और मुस्लिम मतदाता ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा भूमिहार, उसके बाद यादव और तीसरे नंबर पर थानु जाति की बहुलता है और भूमिहार जाति की वोट ही हार जीत का समीकरण तय करती है। मोकामा के भूमिहार इस कहावत को बेहद शान से कहते हैं कि गांडीव की धार हूँ मोकामा घाट का भूमिहार। मोकामा से मौजूदा विधायक बाहुबली अनंत सिंह, जो मोकामा और इसके आसपास के इलाकों में लोगों के बीच छोटे सरकार के नाम से पुकारे जाते हैं और परिवार के लोग उन्हें मोकामा का रॉबिन हुड कहकर बुलाते हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पिछले 15 साल से मोकामा के विधायक हैं और उनके नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं। साल 2005 और 2010 के विधानसभा चुनावों में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2015 में एक हत्याकांड में नाम आने के बाद गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार सरकार में उनका काफी बोलबाला था और वे अपने इलाके में अपराजेय माने जाते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि वह बिहार सरकार के लिए बोझ समझे जाने लगे और आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट पर अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम सिंह ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था। नीलम सिंह रोज सुबह चुनाव प्रचार के लिए निकल जाती थी, लेकिन वो अपने लिए नहीं बल्कि अनंत सिंह के लिए प्रचार कर रही थी। दरअसल करीब 30 से ज्यादा आपराधिक मामलों में नामजद अनंत सिंह का नामांकन रद्द होने की आशंका थी। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पत्नी का भी नामांकन करवाया ताकि अगर उनका नामांकन रद्द हो जाए तो उनकी पत्नी मोर्चा संभाल ले। यहां अनंत सिंह का मुकाबला महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार और एनडीए की ओर से एलजेपी प्रत्याशी कन्हैया कुमार सिंह से था। निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के नीरज कुमार को 18,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया। उन्हें इस चुनाव में कुल 54,005 वोट मिले,
जबकि नीरज कुमार को 35,657 वोट मिले, यानी कि अनंत सिंह ने नीरज कुमार को 18,348 वोटों के बड़े अंतर से परास्त कर दिया। वही 3,194 वोट नोटा पर गिरे। 2015 में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 253,380 थी, जिनमें पुरुष मतदाता 140,172 और महिला मतदाता 127,072 थी, जबकि 170 मतदान स्थल बनाए गए थे और मतदान केंद्रों की संख्या 242 बनाई गई थी और 57.02% वोटिंग की गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में मोकामा सीट से जीते अनंत सिंह ने इस चुनाव में एक भी दिन प्रचार नहीं किया, लेकिन इस सीट से उन्होंने 18,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। चुनाव के दौरान जेल में बंद अनंत सिंह पर उस वक्त हत्या के 5, हत्या की कोशिश के 6, जबकि अपहरण और जबरन वसूली के कुल 16 मामले चल रहे थे। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं और उन पर AK-47 रखने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अनंत सिंह फिलहाल किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और उम्मीद है कि वे इस बार कांग्रेस या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वही सीएम नीतीश कुमार के करीबी नीरज सिंह यहां से चुनाव मैदान में उतरने की आशा है। ऐसे में मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि अनंत सिंह अपनी जाति से सहानुभूति हासिल किए हैं। ऐसे में नीरज कुमार के लिए छोटे सरकार को शिकस्त देना आसान नहीं होगा, भले ही ये जेल में बंद हो। तो रेड नेटवर्क की खास पेशकश बिहार विधानसभा 2020 में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम मोकामा की जनता से जल्द ही करेंगे जन की बात और जानेंगे उनके मन की बात, साथ ही यहां के विधायक से पिछले 5 सालों का हिसाब किताब भी मांगेंगे और विरोधी पार्टी के उम्मीदवार से जानेंगे मौजूदा विधायक के कार्यकलाप पर उनकी राय और साथ ही उनसे जानेंगे क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ है उनके पास रोड मैप। तो देखना ना भूले बिहार विधानसभा चुनाव पर रेड नेटवर्क की 3 खास पेशकश, बिहार विधानसभा 2020, जन की बात और हिसाब किताब। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया हमसे शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। एक और जरूरी बात, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के सबसे ऊपर में लिखे ऑल का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। तो घंटी के सबसे ऊपर में ऑल का बटन जरूर दबाएं। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, फिर से सब्सक्राइब करके सबसे ऊपर में लिखे बेल आइकन को दबाइए और ऑल का बटन जरूर दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगा। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें आपसे जोड़े रखती है। नमस्कार। नमस्कार।